गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। मैं हूँ मनीषा और मिस्टर राज थोड़ा सा कम आ रहे हैं ब्लॉग पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी क्या हुआ है, भैया क्यों नहीं ब्लॉग में आ रहे हैं, हम ब्लॉग में जान नहीं आ रही है पहले की तरह, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो आज सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाले कि ब्लॉग क्यों नहीं मन कर रहा है बनाने का, क्या रीज़न है। और अभी तो हम कॉलेज से आए हैं फिलहाल, तो मिस्टर आज भी जस्ट ब्रश किए और नाश्ता वगैरह आप करेंगे, तो अभी सामान वगैरह इसमें उनका निकाल भी रहे हैं, कुछ सामान इसमें पैक कर दिए हैं क्योंकि उनको भी जाना है कहीं पे, तो इसलिए बोले कि चलो सामान अच्छे से हम पैक कर देते हैं और देखते हैं। अभी तो 18th को तीज भी है और 18th से मेरा पेपर भी है, तो उसका एक अलग ही टेंशन है कि यार फास्ट रहेंगे तो कैसे जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्या ही बताओ। इस तो भी आ गए घर पे कॉलेज से और यहाँ पे देख सकते हैं बनाना शेक मिला, लेकिन ये हम जब भी आते हैं ना देखते हैं ये काला क्यों हो जाता है। हम थोड़ा देर से देखते हैं, लग रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पे ये भी है, बस सर लोग कल बोल रहे थे कि दीदी भैया ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे जी ब्लॉग। ये अभी बनाएगा, कुछ दिन में स्टार्ट करेगा। गाढ़ा है इसमें, लहसुन का टेस्ट आ रहा है। किस दुनिया से लहसुन का टेस्ट आ रहा है, बड़ा सही में लहसुन का टेस्ट आ रहा है। नहीं तो कुछ पिसाया होगा तो आता भी होगा। सो हे गाइस, कॉलेज से आने के बाद सो गए थे और बिल्कुल भी मन नहीं किया व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आए हुए थे और उसके बाद से मिस्टर राज को भी जाना था बाहर, तो उनकी भी पैकिंग करी, फिर वो गए और उसके बाद से हम सो गए थे क्योंकि बहुत तेज नींद भी आ रही थी। तो वो भी भाई कार गए हुए हैं, अभी उनको कुछ काम था। तो कि आप सभी को कल बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है, क्योंकि मुझे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 6 बज रहा है शाम का और अभी मुझे पता चला, तो ये चीज़ मिस्टर राज को भी अभी नहीं पता है। और आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग को चल भी गया होगा, तो उनके लिए भी सरप्राइज रहेगा ये चीज़, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब शायद आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, और अब देखूंगी ब्लॉग मैं खुद कंटिन्यू करूंगी, खुद बनाऊंगी, क्योंकि तो अभी स्विमिंग पूल में पानी भरा रहा है जिसकी वजह से हम लोग सोचे थोड़ा आज नहाएंगे, बट अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और अभी हमको मार्केट जाना है, मार्केट से अभी आप सभी को पता है कि तीज भी बहुत नज़दीक आ गया है, मतलब 18th को तीज है और 18th से हमारा फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि डेट शीट हमारा एक महीना पहले आ गया है। तो इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यार जो इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रहा है ना, मतलब कि आज तो बहुत बुरा हाल हो गया था और इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें भी पेपर है। तो मम्मी बोल रही थी कि कैसे जाओगी, मम्मी जिससे हम बात किए थे वो बोल रही थी कि कैसे जाओगी मनीषा, इतना ज़्यादा वो रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम है तो उसको भी छोड़ना ठीक नहीं है। मम्मी बोलेगी ठीक है तुम देख लेना जाना, क्योंकि उसमें पानी भी नहीं पीते हैं, बट देखेंगे उस टाइम क्या होता है। और आज आप सभी को बताते हैं कि मुझे एक साड़ी, अभी हमने एक साड़ी मंगाया हुआ है जो कि इस कलर का है, ग्रीन कलर का, तो हम सोच रहे हैं इसको जाके पहले स्टिच करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि तीज भी है ना तो इसको पहन लेंगे। बहुत सुंदर सा है, आप लोग देख के एक बार नज़दीक से बताओ कि ये वाली साड़ी कैसी लग रही है आपको। ये थोड़ा ऑर्गेंजा फैब्रिक में है और इसका जो ब्लाउज़ है ना ये बहुत ही सुंदर सा है। तो अभी हम इसको जा रहे हैं स्टिच के लिए भी देने, और हमको मतलब खाटू श्याम जब जाना था तो मिस्टर राज मुझे एक रेड कलर का साड़ी दिलाए हुए थे, तो सोच रहे हैं कि उसको भी हम पहन लेंगे। वैसे दो साड़ी तो चाहिए, एक साड़ी में हो जाता है, बट हम लोग दो पहनते हैं क्योंकि मम्मी भी दो ही वैसे पहनती हैं। मम्मी बोलती हैं कि चलो एक शाम को पहन लेते हैं हम लोग और एक सुबह के टाइम पहन लेते हैं, तो भी छोटू को भी जाने का टाइम हो गया। बाकी अभी मार्केट चलते हैं, आप लोग बने रहो ब्लॉग में। हम ये वाला साड़ी को जा रहे हैं इसको थोड़ा सा स्टिच करने के लिए देने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और हम भी सो गए थे, तो जस्ट मम्मी से बात किए उसके बाद से अभी हमारी नींद खुली। एकदम थक जाते हैं जब भी कॉलेज आते हैं, तो
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पहले की तरह वीडियोस नहीं बना रहे हैं, पहले की तरह मतलब जो भी मिस्टर राज ब्लॉग वगैरह शूट करते थे वो चीज़ नहीं आ रही है, वो ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से ऐसा कमेंट आ ही रहा है। खुद सुबह सुबह कॉलेज चली जाती हूँ और उसके बाद से आने का मतलब आने का जब कॉलेज से आती हूँ ना तो उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप लोग देख रहे हो कि आजकल जो भी हमारा व्लॉग आता है ना वो रात के टाइम ही ज़्यादा आता है, नहीं तो अभी 2 दिन पहले मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियो सुबह में डाली हुई थी, क्योंकि हम रात में अगर रेडी रखते हैं तब जाकर सुबह डाल पाते हैं, और दिन भर अगर बना ही नहीं पाते हैं, मिस्टर राज भी अब क्या बनाएंगे घर पे, यहाँ पे वो रहते हैं तो फिर दिन भर कोई कंटेंट भी नहीं होता है, और घर पे अकेले अकेले क्या ही ब्लॉग बनाएंगे जब मैं भी कॉलेज चली जाती हूँ। तो आप लोग इतना ज़्यादा, हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमें पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको एकदम ऐसे ब्लॉग में देखना चाहते हैं एकदम, तभी बस वो भी ब्लॉग में आएंगे। उन्होंने कल वाली ब्लॉग में बोला भी था आप लोगों के सामने कि अभी मन नहीं है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, बहुत जल्दी वो आएंगे अपना शूट वगैरह करेंगे अगर उनका मन करेगा तो, बाकी अभी तो ब्लॉग में हम रहेंगे और सब कुछ दिखाएंगे, उनको भी दिखाएंगे ब्लॉग में, बट अभी वो तो गए हुए हैं। आप लोग बने रहो, चलते हैं मार्केट क्योंकि ज़्यादा लेट ना हो जाए, और बहुत सारा काम है आज क्योंकि कल कुछ अलग होने वाला है, और पूरा मेरे को सारा कुछ अभी सही भी करना है क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोने हैं, फिर से उसको अभी डालने हैं, और किचन का भी थोड़ा सा देखना है क्या क्या चीज़ है, तो क्या ही बताऊँ। आप लोग बताना कि क्या सरप्राइज हो सकता है, कमेंट में आप लोग कमेंट कर कर के बताना कि क्या सरप्राइज हो सकता है, जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तीज को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। अभी हमको लग रहा है कि हमारा जो तीज आ रहा है ना, मतलब पहला तीज तो वहाँ पे किए थे सिवान में, दूसरा तीज मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे बराडा में किए थे जहाँ पे हमारा रेंटेड हाउस था, तो हमें लग रहा था कि चलो भाई अपने घर में भी करेंगे जब हमारा एक नया घर बन जाएगा, तो बस हमारा यहाँ पे तीज है। और सेकेंड तीज में तो मम्मी भी हमारे साथ थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई बड़ा आदमी रहता है ना साथ में, तो अच्छा लगता है तीज वगैरह करने में। तो मैंने मम्मी को बोला भी था कि मम्मी आप आ जाइए अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नहीं जा सकते, हमारा पेपर है, जिसकी वजह से मम्मी को हम खुद ही बोले कि आप आ जाती तो सही भी लगता, तो कोई बड़ा आदमी घर में रहता है तो पता ही है अच्छा भी लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और आप लोग ज़रूर बताना कि ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। वैसे तीज में एक टाइम तो इसको भी पहन सकते हैं क्योंकि इसका जो ब्लाउज है ना बहुत हैवी है, और जितनी हल्की साड़ी पहनो ना फास्ट में उतना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन ये है कि जो तीज होता है ना उसमें एकदम अच्छे से रेडी होके एकदम दुल्हन की तरह एक अलग ही चीज़ होता है। आप सभी को बताएंगे, वैसे तो सबको पता होगा कि तीज हम लोग क्यों मनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बस देखते हैं और रहने देते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, तो आप लोग फॉलो कर लेना। आजकल हम थोड़ा कॉलेज जा रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम कॉलेज जा रहे हैं डेली डेली, लेकिन अभी 2-3 दिन से कॉलेज का शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब जाओ कॉलेज तो क्या ही शूट करूँ, कॉलेज का एक एक चीज़ मन नहीं करता है शूट करने का। हाँ दोस्तों के साथ जो मस्ती वाली चीज़ें होती हैं वो शूट करती हूँ, बाकी भी कॉलेज में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लिखवाया जा रहा है जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर रहे हैं, तो बस रहने देते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को बताना ज़रूरी था, जिसकी वजह से आप लोग बोल रहे हो कि ब्लॉग नहीं आ रहा है। हमें भी शौक नहीं है कि यार ब्लॉगिंग ऐसे ख़त्म कर दे डायरेक्ट, लेकिन एक होता है ना कि जब आदमी बिजी हो जाता है, मुझे छींक आ गई थी इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा ना जुकाम ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, तो आप बिजी होने की वजह से ना हमारा ब्लॉग आ नहीं रहा है। बस देखेंगे, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जो इतना ज़्यादा प्यार और अपना ब्लेसिंग देते हो तो अच्छा लगता है। रहने दे इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, बस वीडियो को लाइक कमेंट्स को शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।